लास्ट क्लास की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था ये हम थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे सेल की। हमने उससे पहले देखा था कि हमको 11th स्टैंडर्ड में या फिर हमारी शुरुआत में हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सेल, राइट। और हमने ये भी बात की थी कि जो सेल नाम का मॉड्यूल है या यूनिट है उसको हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे। उसमें से पहला हिस्सा जो हमने शुरू किया है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल या स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कह लो तुम। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल या हम जिसको कहें टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मतलब माइटोसिस और मियोसिस डिटेल्स में। और उसके बाद हम जाएंगे बायोकेमिकल्स प्रेजेंट इन द सेल और यू कॉल देम बायो मोलेक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए। ये जो नॉर्मल से नाम सिर्फ हमने नाम सुन रखे हैं या हम जानते हैं उसकी सभी डिटेल्स हम पढ़ेंगे आफ्टर दैट, ओके। सो जहाँ तक सवाल है सेल का, तो सेल क्या है और सेल में क्या क्या चीज़ें हम बेसिक लेवल पे पढ़ सकते हैं उसकी शुरुआत हमने की है। जैसे कि हमने कहा था कि सेल एक बाउंड्री या सेल एक कन्फाइंड सिस्टम है। हम जब यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं सेल, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन सी सेल या किस ऑर्गेनिज्म की सेल। वी आर टॉकिंग इन जनरल, हम एक बहुत जनरल बात कर रहे हैं कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो वो एक कन्फाइंड सिस्टम होती है, मतलब एक बाउंड्रीड सिस्टम होती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री, हमने एक एनालॉजी भी देखी थी, हमने एक कंपैरिजन भी देखा था कि भाई जैसे एक फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा हो तो उसमें अलग अलग मशीन्स अलग अलग काम करती हैं उस प्रोडक्ट को बनाने से जुड़े हुए काम, और सब मशीन्स अपना अपना काम बराबर जब करती हैं तब वो प्रोडक्ट सही तरीके से बन के निकल आता है। उसी तरह से हमारी बॉडी हो या किसी बैक्टीरिया की सिंगल सेल, मतलब उसकी बॉडी हो, सेल में अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सेल के सभी कंपोनेंट्स, ठीक है ना, अपना काम जब सही सही तरीके से करते हैं तो एक सेल सही तरीके से काम करती है। और फिर ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, हम इसकी बात कल कर चुके हैं, वो बना किससे होता है, सेल से। मतलब हमने एक कोट भी पढ़ा था कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल और सेल्स, और यू सेड और वी सेड कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्यों कहा था हमने ऐसा कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल के नीचे लाइफ नहीं होती। लाइफ प्रेजेंट होने के लिए मिनिमम एक सेल का होना जरूरी है, राइट। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है तो हमने उसे कहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हमने उसमें एग्जाम्पल के तौर पे बोला था बैक्टीरिया, याद करो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, या फिर अमीबा, पैरामेशियम। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर, क्योंकि पैरामेशियम हो चाहे अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा हो, इनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। जबकि दूसरी कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स हमने कल बोले थे वो थे मल्टीसेलुलर, मतलब जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं या बहुत सारी सेल्स के जोड़ के या मिलके एक कॉमन बॉडी जिनकी होती है उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म हमने कल डिस्क्राइब की थी जिसको हमने नाम दिया था डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कामों का बंटवारा। जैसे कि हमने ह्यूमन बॉडी के लिए कल डिस्क्राइब किया था कि ह्यूमन बॉडी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, या ह्यूमंस मतलब हम
एक मल्टीसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म है और हमारी बॉडी में अलग-अलग फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए अलग-अलग सिस्टम्स या अलग-अलग क्या बोलो आप ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जैसे कि हमने कल बात की डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, सोचने के लिए अप्लाई करने के लिए लॉजिक लगाने के लिए एनालाइज करने के लिए नर्वस सिस्टम है, बराबर। टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, राइट। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्केलेटल सिस्टम है। तो फिर ये स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब जो सिस्टम्स है ये अलग-अलग ऑर्गन से बनी है कि नहीं? तो फिर इन ऑर्गन्स में कितनी सारी सेल्स हैं? बहुत सारी, और वो सभी एक दूसरे से अलग हैं कई मायनों में, लेकिन वो सभी सेल्स, वो सभी ऑर्गन्स एक ही बॉडी का हिस्सा है ना। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं मतलब अलग-अलग ऑर्गन्स या अलग-अलग सेल्स द्वारा एक ही बॉडी में रह के अलग-अलग तरह के कामों को पूरा करना, इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये किसमें देखा जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जिनके पास एक से ज्यादा सेल्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट बैक्टीरिया, और व्हाट अबाउट अमीबा, और व्हाट अबाउट पैरामीशियम? दे आर ऑल यूनिसेलुलर एंड हेंस दे डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा डिवीजन ऑफ लेबर शो ना करने का मतलब ये है क्या कि उनकी सेल्स में कोई काम नहीं होता? ऐसा तो नहीं है। एक सिंगल बैक्टीरियल सेल वो सभी काम करती है जो हमारी पूरी बॉडी मिलके करती है। दैट्स व्हाई वी सेड कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द डिफरेंट फंक्शंस रिलेटेड टू लाइफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय वन सिंगल सेल, व्हाइल डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और सेल्स इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दैट्स व्हाट वी से डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ थोड़ा सा बोर्ड पे आज जो हमने आज का अगर बात करें हम, तो पहला पॉइंट जो हमारे बोर्ड पे मेंशन है उस पे आप थोड़ा फोकस करो। क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। व्हाट इज रिटन? इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड। बहुत ही लॉजिकल बात है जो लिखी हुई है कि लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पजेस लार्जर सेल्स बट इंस्टेड दे हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स, राइट। ऐसा नहीं कि जैसे तुम कंपैरिजन करो एक चिड़िया, ठीक है ना, चिमनी, चिड़िया और एक हाथी के बीच। तो चिड़िया और हाथी देखो ये दोनों एनिमल्स हैं, चिड़िया बर्ड है, हाथी मैमल है, बराबर। लेकिन है तो दोनों एनिमल्स, चिड़िया भी मल्टी सेलुलर है, हाथी भी मल्टी सेलुलर है, बराबर। लेकिन चिड़िया का साइज और हाथी के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब चिड़िया के साइज के मुकाबले हाथी का साइज या इवन हाथी के बच्चे का भी साइज हजारों गुना बड़ा है, राइट। तो क्या इसका मतलब ये है कि चिड़िया के अंदर प्रेजेंट सेल्स छोटे साइज की हैं और हाथी के बॉडी में प्रेजेंट सेल्स बड़े साइज की हैं? बिल्कुल भी नहीं। सेल्स का एवरेज साइज लगभग सेम होता है अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स में। फर्क सिर्फ क्या है कि हाथी बड़े साइज का क्यों है और चिड़िया छोटे साइज की क्यों है? दोनों ही मल्टीसेलुलर होने के बावजूद हाथी का साइज बड़ा क्यों है और चिड़िया का साइज छोटा क्यों है? तो फर्क आता है देखो नंबर ऑफ सेल्स।
हाथी के बॉडी में चिड़िया की बॉडी के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और ना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होने की वजह से उनका साइज चिड़िया से हजारों गुना बड़ा है। हाथी से भी बड़े एनिमल्स हैं, तो फिर उनके लिए भी सेम लॉजिक लागू होता है कि मोर इज द साइज ऑफ एन एनिमल और मोर इज द साइज ऑफ एन प्लांट, और यू से मोर इज द साइज ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, दैट इज बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ सेल्स इन दैट ऑर्गेनिजम्स बॉडी, नॉट दैट कि साइज ऑफ द सेल इन लार्ज साइज्ड एनिमल और प्लांट इज लार्जर। इज इट ओके? हिंदी में अगर कहे तो बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स के साइज का बड़ा होना, इसके पीछे का रीजन उनकी सेल्स का साइज बड़ा होना नहीं होता, तो उनमें ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होना ये होता है। ठीक, तो यही हमको यहां से समझता है कि लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पजेस लार्ज साइज्ड सेल्स बट रादर दे पजेस मोर नंबर ऑफ सेल्स। ओके ना, नेक्स्ट पॉइंट में हमको एक और नई चीज सेल के बारे में मेंशन मिलती है, या एक नया बेसिक फैक्टर हम सेल के बारे में यहां समझ सकते हैं, खास करके कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। हम पहले भी बोल चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पूरी की पूरी बॉडी या कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल, राइट? तो उनमें अगर पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है तो उनमें सेल के टाइप्स होने का कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब बात आती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज्यादा सेल्स होती हैं, बराबर? और हम पहले भी कह चुके हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कामों का बंटवारा होता है, अलग-अलग काम अलग-अलग सिस्टम्स में किया जाता है, तो सेल्स भी अलग होंगी ना। तो दैट्स व्हाट इज गिवन कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लाइक हमारी ही बात करते हैं, दूसरे की करने से बेटर खुद के बारे में ज्यादा रिलेटेबल होते हैं हम, तो ह्यूमंस जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही बॉडी में हमको अलग-अलग दुनिया भर की अलग-अलग तरह की या टाइप्स की सेल्स देखने को मिलती है। दैट्स व्हाट रिटन कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट? जैसे कि हमने वही एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, वही नाम यहाँ पे लिखे हैं जो कॉमन है या जो हमको जनरली पता होती है, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, पूरा नाम डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, कार्पसल्स मतलब सेल्स, ठीक है ना? आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। ब्रेन की सेल्स को क्या कहते हैं? ब्रेन की सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं, ये कॉमन जानकारी है। मसल सेल्स जो मसल्स में होती है, ऑस्टियोसाइट्स अगर ना पता हो तो अभी जान लो कि ये वो सेल्स है जो बोन्स में होती है, ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन की सेल्स, या प्लेटलेट्स ये भी कहाँ होती है? आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के साथ ब्लड में होती है। ब्लड में तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ना पता हो तो अभी समझ लो, आरबीसीज जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक, और डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, पैथोजेंस इन्फेक्शंस एलर्जन से बचाती है, और फाइनली प्लेटलेट्स जो हमारे को जख्म वगैरह हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड हमेशा बहता रहता है क्या? अगर उनको कोई कट लग जाए तो खून बहता है, खून निकलता है, लेकिन वो एक कुछ सेकेंड्स के लिए बहने के बाद उसका बहाव रुक जाता है। क्यों? तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो क्लॉट करने के लिए ब्लड के अंदर की जो सेल्स काम करती है उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना? जैसे आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज है, वैसे ही ये प्लेटलेट्स भी कहाँ प्रेजेंट होती है या पाई जाती है? ब्लड। तो आप देखो यहां जितने भी एग्जांपल लिखे हैं, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, न्यूरॉन्स हो गया, मसल सेल्स हो गया,
ऑस्टियोसाइट्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इन सबके काम अलग अलग है। कुछ बोलू मैं अगर तो आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, WBCs का काम है बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, फिर न्यूरॉन्स का काम है संदेश मैसेज को इधर से उधर लेके जाना ब्रेन और फिर अलग अलग हिस्सों से ले आना, ठीक है। मसल सेल्स का काम है हमारे हाथ पैर जो चलते हैं उनको चलाना, बॉडी पार्ट्स को मूव कराना, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स का काम है बोन्स को बनाना ताकि वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे। फिर प्लेटलेट्स का काम मैं अभी अभी बता चुका कि उसका काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। तो अब देखो प्लेटलेट्स ऑक्सीजन कैरी नहीं करती, WBCs बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कराती और न्यूरॉन्स जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं कराती। अपना अपना काम फिक्स है ना, क्योंकि ये सेल्स उस तरह से बनी है उस काम को करने के लिए बनी है, ठीक। लेकिन भले ही इनका काम अलग अलग हो, ये एक ही बॉडी का हिस्सा है, एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस पॉइंट कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट जस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बट दे आल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर और टाइप में फर्क होता है, बराबर ना। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ बहुत सारी सेल्स है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी सेल्स होने के साथ साथ अलग अलग टाइप की सेल्स है, जैसे कि ये, और ये अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग कामों को अंजाम देती है, राइट। जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हो पाता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में RBCs WBCs होंगी, तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होंगे, तो मस्कुलर टिश्यू में मसल्स होंगी, तो स्केलेटल टिश्यू में ऑस्टियोसाइट्स होंगी। तो वो टिश्यू या वो ऑर्गन किनके भरोसे काम कर पाता है, इन सेल्स के भरोसे, राइट। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सभी काम एक ही सिंगल सेल कर लेती है, बराबर। ये बात हमने कल भी की थी ना। इन दो पॉइंट्स के बाद एक तीसरा पॉइंट आपको बाजू में दिखता है जो थोड़ा सा यूनिक है, या शायद हम इस टर्म के बारे में पहली बार सुन रहे हो, ये भी हो सकता है। अगर इससे पहले सुन रखा है या पढ़ रखा है तो इट्स गुड फॉर यू, इफ नॉट देन जस्ट लर्न इट टुडे। व्हाट वी आर सेइंग हियर इज सम सेल्स पर्टिकुलरली लिविंग प्लांट सेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स इन योर माइंड, लिविंग प्लांट सेल्स, ठीक है। नॉन लिविंग या डेड प्लांट सेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल्स, दोज आर लिविंग, जिंदा है, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, टोटिपोटेंट, या फिर प्रॉपर्टी का नाम टोटिपोटेंसी, ठीक। पोटेंसी मतलब पोटेंशियल, कहते हैं ना हम बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, ठीक। पोटेंसी का मतलब, पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी, ठीक। अब अपनी एबिलिटीज कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, ठीक। जो जानते हैं और उस पे भरोसा रखते हैं वो आगे जाते हैं, अदरवाइज अपनी एबिलिटीज को जान के भी जो अनजान रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। दैट्स Like, know your abilities and believe in them. तो यहाँ पे हम जिस ability की बात कर रहे हैं ना, वो है plant की ability. कौन से plant की? किसी भी plant की. लेकिन कौन से cell की? Living cell की. जैसे एक बात बताओ मैं तुमको, किसी पुराने plant को या किसी पुराने tree को देखो, पुराने in the sense जिसको बढ़ते हुए काफी साल हो गए हैं, जैसे आम का पत्ता, आम का झाड़ बहुत कॉमन सा ट्री है। तो आम के झाड़ का या आम के ट्री का जब तुम मेन स्टेम देखते हो, मेन स्टेम, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एक बोलो मेन स्टेम मतलब जो मेन क्या बोलते हैं एक्सिस है प्लांट का, इससे ब्रांचेस निकलती है, राइट। तो ये जो मेन स्टेम है, इसका सरफेस जब हम आम के ट्री का या ऐसे किसी भी पुराने हो चुके ट्री का देखते हैं, तो हमको यहाँ पे
बहुत ऐसा क्रैक्ड अपीयरेंस मिलता है, जो क्रैक क्रैक फ्रैगमेंटेड अपीयरेंस मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं ना, ये प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में तुमको टर्मिनोलॉजी जा चुकी है, तो इट्स नॉट न्यू फॉर यू, बट स्टिल इसको कहते हैं कॉर्क। इट्स अ डेड टिश्यू, मतलब इस कॉर्क में जो सेल्स होती है वो लिविंग नहीं है, डेड है, ठीक है ना। तो ये कॉर्क की सेल्स प्लांट का हिस्सा है, लेकिन बाय नेचर उसकी सेल्स कैसी है, डेड, दे आर नॉट लिविंग। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एनी सेल ऑफ अ प्लांट शोज टोटिपोटेंसी, ओनली विच सेल्स शो द टोटिपोटेंसी, लिविंग, लाइक लीफ की सेल्स, रूट की सेल्स, फ्रूट की सेल्स, सीड की सेल्स, ये कैसी सेल्स है, लिविंग, जिंदा। तो जिंदा प्लांट सेल्स या लिविंग प्लांट सेल्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी प्रॉपर्टी शो करती है, जिसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। इसका डेफिनेशन हम पहले यहां लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और हमको दिखती रहे कि लिखा क्या है। पहले कह चुके हैं हम एबिलिटी, तो शुरुआत भी होगी एबिलिटी के साथ डेफिनेशन की, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ ईच लिविंग प्लांट सेल टू गिव राइज टू होल प्लांट। ठीक है, फिर से एक बार ठीक से पढ़ो, टोटिपोटेंसी ये जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रॉपर्टी का नाम है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ ईच लिविंग प्लांट सेल, मतलब प्लांट के बॉडी में किसी भी हिस्से में प्रेजेंट लिविंग सेल अगर है तो उसकी प्रॉपर्टी किस काम को करने की, टू गिव राइज टू होल प्लांट, इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। ठीक, अब देखो कई बार हम क्या करते हैं कि हमको किसी के घर जाने के बाद या किसी के किसी गार्डन में जाने के बाद हमको कोई गुलाब का या कोई फ्लावर है जिसका फूल हमको पसंद आता है और हमको लगता है कि ये फूल हमारे घर में भी होना चाहिए, हमारे गार्डन में भी होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं उनके घर से उस रोज का जो झाड़ है उनके घर पे, जिनके भी घर में आपने देखा, उसका एक हिस्सा तोड़ लेते हैं, एक छोटा सा स्टेम का हिस्सा तोड़ लेते हैं, राइट। हम ना उस उनसे सीड लेते हैं, ना हम उनसे कुछ और लेते हैं, हम उस ट्री का, उनके घर के झाड़ का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लेते हैं, कलम कहते हैं उसे अगर तुम जानते हो तो, और उस छोटे से हिस्से को हम सीधा सॉइल में लगा देते हैं, ठीक है, और उसको नर्चर करते हैं, उसको पानी डालते हैं। अगर सब कुछ सही तरीके से हमने किया तो हमको थोड़े दिन बाद क्या दिखता है कि वो जो स्टेम का छोटा सा हिस्सा हमने सॉइल में लगाया था उससे पूरा रोज का नया झाड़ निकल आया, राइट, ये बहुत आम बात है। या तुम दूसरा एग्जांपल लो, तुम जब पोटैटो खाते हो तो तुम उसके सरफेस पे देखते हो कि बहुत सारे व्हाइट कलर के ऐसे कभी कभी बर्ड्स आ जाते हैं जिसको कोम कहते हैं मराठी में, ठीक है, या फिर आइस कहते हैं इंग्लिश में, वो एक्चुअली बर्ड्स होते हैं। तो हम उस पोटैटो को कट करके अगर हम सॉइल में लगा दें तो थोड़े दिनों बाद जितने पीसेस हमने लगाए उतने पोटैटो के झाड़ आ जाएंगे, बराबर। अब ये बात तुम ह्यूमंस पे अप्लाई करो तो अगर हमारी उंगली का छोटा सा टुकड़ा टूट जाए तो उस उंगली के छोटे से टुकड़े को बचा हुआ इंसान आ जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता, बराबर। तो ये एक एनालॉजी है जिसको आप समझो कि ह्यूमन के बॉडी के छोटे से टुकड़े को लगाने से या उसको नर्चर करने से पूरा ह्यूमन क्यों नहीं उगता, लेकिन प्लांट के बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा कट करके लगाने से पूरा प्लांट क्यों आ जाता है। तो यही फर्क है प्रॉपर्टी का, हमारी सेल्स में या एनिमल की सेल्स में ये जो टोटिपोटेंसी नाम की प्रॉपर्टी है ये नहीं होती, जबकि किसी भी प्लांट की लिविंग सेल में ये प्रॉपर्टी होती है कि एक सिंगल सेल से भी अगर हम चाहे तो पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है
कि एक सिंगल सेल को सॉइल में सो नहीं किया जा सकता, लेकिन तुमने शायद नाम सुना होगा, हमारे पास एक बहुत ही प्रूवन टेक्निक है जो प्लांट से रिलेटेड है, जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर ये जो टेक्निक है बॉटनी से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड बेसिकली ये टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से हम एक सिंगल प्लांट सेल भी अगर हमारे पास है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल लिविंग प्लांट सेल, तो उस सिंगल लिविंग प्लांट सेल से भी हम अगर चाहे तो पूरा प्लांट नया बना सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल लिविंग प्लांट सेल में भी ये एबिलिटी होती है कि वो पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर सके, बिकॉज दे पजेस द एबिलिटी कॉल्ड टोटिपोटेंसी। वी ह्यूमंस और एनी अदर एनिमल कैन नॉट डू दिस बिकॉज दे डू नॉट पजेस एबिलिटी लाइक दिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टोटिपोटेंसी। यू शुड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इन अ क्लियर मैनर। अगेन आई एम रीडिंग फॉर वंस दैट इट इज एन एबिलिटी ऑफ ईच लिविंग प्लांट सेल टू गिव राइज टू होल प्लांट। दिस इज व्हाट यू से टोटिपोटेंसी। आर्टिफिशियली इट इज पॉसिबल बाय अ टेक्निक कॉल्ड टिश्यू कल्चर, एंड नेचुरली तो हम हर घर में देखते हैं, जैसे गुलाब का झाड़ वाला एग्जाम्पल हो, या फिर आलू वाला, या फिर इवन जिंजर वाला, अदरक को भी अगर तुम लगाओ, लहसुन को लगाओ, तो उससे पूरा प्लांट आ जाता है। सीड लगाने की जरूरत हमें हर बार नहीं होती। वन लास्ट बेसिक डिस्कशन इन सेल, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद सम कोर टॉपिक। ओके, मींस कोर टॉपिक इन द सेंस सम टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा बेसिक है, मतलब हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है सेल के बारे में, ठीक, जो इम्पोर्टेंट और रिक्वायर्ड चीजें हमको पता होनी चाहिए वो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो इस चैप्टर का कोर टॉपिक होगा। तो एक लास्ट बेसिक थिंग, सब जानते हैं कि ये क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब एक लेंस वाला या ऑप्टिकल डिवाइस जिसके थ्रू हम उन चीजों को पढ़ते, देखते और समझते हैं जो हमको नेकेड आईज या सीधी आंखों से नहीं दिख सकती, राइट। तो दुनिया में सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। अब जिसने बनाया उसका नाम है जैकेरिस जैनसन। जॉनसन ने, जैकेरिस जैनसन नाम का शख्स है जिसने सबसे पहले ऐसी कोई बात सोची कि ग्लास के थ्रू या लेंसेस को बना के माइक्रोस्कोप, नहीं टिपिकल माइक्रोस्कोप नाम भी तब किसी को पता नहीं था, बट कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके थ्रू वो देखा जा सके जो हमको सीधी आंखों से या नेकेड आई से नहीं दिखता। लेकिन ये वो पर्सन नहीं है जिसने सबसे पहली बार चीजों को देखा। सबसे पहली बार चीजों को देखा माइक्रोस्कोप के थ्रू और उन्हें मेंशन किया, डिस्क्राइब किया, वो पर्सन है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक उस पर्सन का नाम है जिसने सबसे पहली बार सक्सेसफुली अपने बनाए हुए हैंडमेड माइक्रोस्कोप से या लेंस वाले डिवाइस से, जैसे जिस कैमरा में मैं अभी बात कर रहा हूँ या आपके साथ जुड़ रहा हूँ ना, वो कैमरा भी एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है, बराबर। तो माइक्रोस्कोप भी एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें ग्लास या अदर मटेरियल से बनी हुई लेंसेस का इस्तेमाल करके मैग्नीफाई किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, और जो हम नहीं देख सकते नेकेड आईज से उसको देखा जा सकता है। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स लाइक वाटर ड्रॉपलेट, मड, सरफेस ऑफ द टेबल, डिफरेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हैड कंस्ट्रक्टेड। एंड इसीलिए इस पर्सन को आज भी
एंटोनी वैन लुवेनहॉफ, इस बंदे को हम आज भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू द वर्ल्ड दैट इज नॉट ऑब्जर्वेबल बाय द नेकेड आइज, इज इट ओके? तो इसीलिए हम एंटोनी वैन लुवेनहॉफ को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वो पहला बंदा है जिसने माइक्रोस्कोप के थ्रू चीजों को देखा। लेकिन सेल को देखने वाला या सेल ये नाम देने वाला जो पर्सन है वो है रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 आज चल रहा है 2020, ठीक ये बात है 1665 की, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने कॉर्क को देखा। कॉर्क अभी हम बात कर चुके थोड़ी देर पहले कि कॉर्क इज अ डेड टिश्यू प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओल्ड ट्रीज, ठीक है ना? तो इस कॉर्क को उसने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा और उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया। रफली कुछ ऐसा दिखाई दिया, मतलब बॉक्सेस बॉक्सेस, डब्बे डब्बे, ठीक है ना? तो इसमें से हर एक बॉक्स या हर एक कंपार्टमेंट को उसने नाम दिया सेल, ठीक है? मतलब एक कन्फाइंड सिस्टम। उसको नहीं पता था कि सेल के अंदर क्या है या सेल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है कि नहीं, वो सब बाद में आया। लेकिन सबसे पहली बार दुनिया में अगर ये टर्मिनोलॉजी सेल या सेल्युला किसी ने यूज की तो वो था रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में कॉर्क इस प्लांट मटेरियल को अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करके हमको आज यूज होने वाली सेल ये टर्मिनोलॉजी दी। उसके बाद कई साइटोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना रिसर्च कंडक्ट किया और हमको आज जितनी जानकारी सेल के बारे में है वो सब हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्टेन की है, ठीक? तो ये सारी बातें या यहाँ तक की जो भी बातें हमने की ये वो बातें हैं या ये वो चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग स्पेसिफिक टू द सेल, राइट? इन सभी चीजों को, मतलब पिछले तीन लेक्चर्स में हमने जो भी इंट्रोडक्टरी एंड बेसिक फैक्ट्स सेल के बारे में डिस्क्राइब की है या पढ़ी है, उनको आप एक बार और एक साथ देखिए, एक साथ समझिए। और हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे वी विल टॉक अबाउट सेल थियरी, द फर्स्ट कोर टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इज इट ओके? थैंक यू।